नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल रमेश बैस का झारखंड के विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर नियुक्ति और रोस्टर क्लियरेंस का निर्देश। झारखंड के राज्यपाल सह झारखंड के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेश बैस ने राजभवन में विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने एवं रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे उच्च शिक्षा के विकास के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार लाने को लेकर सभी को समर्पित भाव से कार्य करने के लिए कहा है। बीसीसीएल में 41 डॉक्टरों की बहाली होगी, 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल समेत क्षेत्रीय अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी जल्द दूर होगी। इसके लिए प्रबंधन ने 28 स्पेशलिस्ट समेत 41 डॉक्टरों के पदों पर बहाली निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होगी। सक्षम उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इस आलोक में कोल इंडिया और बीसीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। डॉक्टरों का चयन इंटरव्यू के जरिए होगा। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है, वहीं स्पेशलिस्ट के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। भर्ती की चयन प्रक्रिया कोल इंडिया और बीसीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रांची में बोले सालखन मुर्मू, झारखंड समेत 5 राज्यों में कर देंगे रेल रोड चक्का जाम। झारखंड में 1932 के खतियान पर राजनीति के बीच आदिवासी संघल अभियान ने 30 सितंबर को कोलकाता में बड़ी रैली करने की घोषणा की है। साथ ही 30 नवंबर को देश के 5 राज्यों में रेल और रोड चक्काजाम करने का ऐलान भी कर दिया है। सालखन मुर्मू ने कहा कि 20 नवंबर तक केंद्र सरकार ने सरनाथ धर्म कोड को लागू करने की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में एक दिन के लिए चक्का जाम कर देंगे। वहीं आप सबको बता दूं कि आदिवासी संघल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने मंगलवार को यानी कि 27 सितंबर 2022 को रांची के मोरहाबादी में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने की घोषणा की है, अभी जो है इसे लागू नहीं किया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मेरे विचार से यह लागू नहीं हो सकता, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का पॉलिटिकल स्टंट है, यह व्यवहारिक नहीं है, इस पर कोर्ट की तलवार लटकी हुई है। रांची में झमाझम बारिश, वज्रपात से 2 लोगों की हुई मौत, दुर्गा पूजा में भी बारिश के हैं आसार। राजधानी रांची में मंगलवार को दोपहर में झमाझम बारिश हुई। रांची जिले के मांडर प्रखंड में वज्रपात से करकरा गांव निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। झारखंड में दुर्गा पूजा में भी बारिश के आसार हैं। इससे पूजा के दौरान न सिर्फ आयोजकों को परेशानी हो सकती है बल्कि श्रद्धालुओं को भी बारिश के कारण पंडालों का भ्रमण करने एवं मां दुर्गा को दर्शन करने में दिक्कत हो सकती है। आने वाले 5 दिनों तक गर्जन के साथ बारिश होगी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदलेगा। झारखंड के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है किसान क्रेडिट कार्ड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी का नतीजा है कि 15 सितंबर 2022 तक 19,18,511 केसीसी धारक राज्य में हो गए हैं, जबकि सितंबर 2021 के बाद 5,34,331 नए केसीसी को स्वीकृति दी गई है। यह किसान क्रेडिट कार्ड राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत छूटे हुए किसानों को केसीसी का लाभ दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है। यही वजह है कि राज्य गठन के बाद से दिसंबर 2019 तक मात्र 409 करोड़ रुपए किसानों के बीच वितरित किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। झारखंड हॉकी के 42 सदस्य टीम गुजरात रवाना, राष्ट्रीय खेलों में करेगी शिरकत।
29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में झारखंड से कुल 17 टीमों में 265 एथलेटिक एवं ऑफिशियल भाग ले रहे हैं, जिसमें हॉकी झारखंड की महिला और पुरुष हॉकी टीम में 36 खिलाड़ी एवं 6 ऑफिशियल भाग ले रहे हैं। मंगलवार को झारखंड के 42 सदस्यीय महिला एवं पुरुष हॉकी टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजकोट गुजरात रवाना हुए। आप सबको बता दूं कि राजकोट के लिए हॉकी टीम रांची रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इससे पूर्व शाम को हॉकी झारखंड के कार्यालय में हॉकी झारखंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशिकांत प्रसाद, सीओ रजनीश कुमार, महासचिव विजय शंकर सिंह, उपाध्यक्ष मनोज कौनबेगी, संयुक्त सचिव बिगन सॉय, तारनी कुमारी, जिला खेलकूद विभाग रांची के मुकेश कुमार सहित खेल विभाग जॉय और हॉकी झारखंड के पदाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को खेल किट देते हुए जीत की शुभकामनाएं दी। रांची विश्वविद्यालय में अगले सत्र से शुरू होगी एमएड की पढ़ाई, विद्यार्थियों को होगा फायदा। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कई कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई तो होती है, छात्रों को एमएड करने के लिए दूसरे राज्य या फिर प्राइवेट बीएड कॉलेजों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जल्द ही रांची विश्वविद्यालय में एमएड की पढ़ाई शुरू होने वाली है। अगले सत्र से विद्यार्थी एजुकेशन में पीजी कर सकेंगे। रांची विश्वविद्यालय की ओर से अगले सत्र में एमएड की पढ़ाई शुरू करने को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। यही कमेटी इस कोर्स का सिलेबस तय करेगी। तैयार सिलेबस को एकेडमिक काउंसिल में रखा जाएगा। यहां से अप्रूवल मिलने के बाद इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। यहां तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस कोर्स के प्रस्ताव को एनसीटीए के पास भेजा जाएगा। वहीं कोर्स के संचालन के लिए जगह चिन्हित की जाएगी। आप सबको बता दूं कि विश्वविद्यालय एमए इन फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई भी शुरू करने की योजना बना रहा है। फिलहाल एमएड की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का रुख करते हैं। झारखंड में राजस्व कर्मियों का हड़ताल जारी, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से विद्यार्थी हुआ परेशान। राज्य के राजस्व कर्मी 16 सितंबर से हड़ताल पर है। ऐसे में विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को हो रही है। इन बच्चों को जोसा सहित अन्य काउंसलिंग में भाग लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट साल की अप्रैल के बाद का जारी होना चाहिए। आप सबको बता दूं कि अप्रैल के बाद जो है विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र भी बना था। इसके बाद जो है बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र लंबित है। इधर जो है विभिन्न सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में रिक्तियां आई है, उसके लिए आवेदन भी भरे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। वे लगातार प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन पर विचार नहीं हो पा रहा है। सारे आवेदन राजस्व उप निरीक्षकों के लॉगिन में पड़े हुए हैं, उनसे आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सारे राजस्व उप निरीक्षक हड़ताल पर हैं, इस कारण सर्टिफिकेट निर्गत करने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। पंकज मिश्रा के अधीन काम करने को व्यवस्थे माइनिंग कारोबारी, कई संस्थानों ने जमा के खाते में करोड़ों रुपये। ईडी की जांच रिपोर्ट्स के अनुसार साहिबगंज के पत्थर व्यापारी और लीज धारक पंकज मिश्रा के डीलर लाइसेंस के अधीन व्यापार करने को विवश थे। वह स्टोन, चिप्स और बोल्डर पहले पंकज की डीलरशिप फर्म को सस्ती दर पर बेचते थे, उसके बाद पंकज के फर्म के सहारे उसी कीमत पर दूसरों को बेचते थे। इस खरीद बिक्री के दौरान होने वाले मुनाफे को पंकज के खाते में जमा करते थे। पंकज ने पूछताछ के दौरान पहले ऐसी लोगों को पहचानने से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने इसे स्वीकार भी कर लिया। आप सबको बता दूं कि पंकज से पूछताछ के दौरान पहले ऐसे लोगों को पहचानने से इनकार किया, लेकिन बाद में पंकज ने उसे स्वीकार भी कर लिया। जांच में पाया गया कि हथवा कंस्ट्रक्शन, बालाजी इंटरप्राइजेज, शिव शक्ति साई और गणपति इंटरप्राइजेज सहित अन्य संस्थानों ने पंकज के बैंक खाते में नगद राशि जमा की। पंकज के एक बैंक खाते में सिर्फ भगवान स्टोन ने 4.87 करोड़ रुपये जमा किए थे। जांच में पंकज ने पहले तो भगवान स्टोन के मालिक भगवान भगत को पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसने इनकी व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख करने वाले के तौर पर पहचान की। जांच में पाया गया कि पंकज के पास माइनिंग लीज पहले से था, बाद में उसने डीलरशिप लाइसेंस लिया। इसके बाद अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए माइनिंग लीज धारकों को बोल्डर और चिप्स स्टोन अपने डीलरशिप फर्म को बेचने के लिए मजबूर करता था।
आप सबको बता दूं कि पटना में निबंधित हथवा कंस्ट्रक्शन ने पंकज के खाते में मुनाफे का 21.8 लाख, गणपति ने 36.95 लाख, शिव शक्ति ने 41.50 लाख और बालाजी ने 16.93 लाख जमा किए थे। साहिबगंज में जांच के दौरान पाया गया कि यहां से प्रतिदिन औसतन 2000 ट्रकों से स्टोन, चिप्स और बोल्डर बाहर भेजा जाता है। रांची के रिम्स में मरीजों को 9 दिनों तक मिलेगा सात्विक खाना, फलाहार की भी होगी व्यवस्था। नवरात्र पर रिम्स में भर्ती मरीजों को 9 दिनों तक सात्विक भोजन दिया जाएगा। व्रत करने वाले मरीजों को फलाहार और अन्य मरीजों को शाकाहारी भोजन मिलेगा, यानी कि 9 दिनों तक मरीजों को शाकाहारी खाना मिलेगा। हाई प्रोटीन भोजन के लिए चिकन की जगह पनीर और अंडा की जगह सोयाबीन की सब्जी दी जाएगी। कोर्ट फीस बढ़ोतरी में सुधार के लिए झारखंड सरकार बनाएगी कमेटी, बार काउंसलिंग ने लगाया गंभीर आरोप। कोर्ट फीस की बढ़ोतरी में सुधार को लेकर झारखंड सरकार 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, उस पर विचार कर निर्णय लेगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को इस आशय का शपथ पत्र 28 सितंबर को दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बार काउंसलिंग की ओर से सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। काउंसलिंग के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और एमकिस क्यूरी वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का प्रस्ताव लाकर सरकार इस मामले को उलझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कमेटी का गठन और रिपोर्ट को कैबिनेट भेजने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, इसलिए सरकार को लंबा समय देना उचित नहीं होगा। झारखंड की इंटर पास बेटियों को टाटा में मिली नौकरी, अर्जुन मुंडा ने विशेष ट्रेन से किया तमिलनाडु रवाना। झारखंड की 822 युवतियों को टाटा की कंपनी में नौकरी मिली है। ये बेटियां झारखंड के पिछड़े इलाकों में सुमार खुट्टी, तमाड़, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां से है। ये सभी इंटर पास है। मंगलवार को यानी कि 27 सितंबर 2022 को जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हटिया स्टेशन से हुसूर यानी कि तमिलनाडु के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय की पहल पर टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1984 युवतियों का चयन किया गया था। इन युवतियों का प्रशिक्षण हुसूर यानी कि तमिलनाडु में होगा। चयनित युवतियों का पहला जत्था 27 सितंबर 2022 को हटिया रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन से हुसूर के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, कोचे मुंडा, रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय के अलावा रांची रेल मंडल के DRM सतीश कुमार और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। देवघर एयरपोर्ट के निर्माण और नाइट लैंडिंग मामले में 9 भवन मालिकों को नोटिस जारी करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट के निर्माण और नाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर दायर अवमानना मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान 9 भवन मालिकों को प्रतिवादी बनाया। उन्हें नोटिस जारी करने को कहा गया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। आप सबको बता दूं कि प्रार्थी गुड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अवमानना याचिका दायर की है। झारखंड के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि देवघर एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट लैंडिंग के लिए जरूरी कार्यों का अब तक पूरा नहीं किया गया है। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं हो पाई है। शाम में विजिबिलिटी कम रहने के कारण 2 दर्जन से अधिक विमान उतर नहीं पाए हैं, जबकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से के कार्यों को 3 माह में पूरा करने की बात कही थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।